हे गाइस, इस वीडियो में देखूंगा 5 फैक्ट जो मून नाइट सीरीज को बाकी अदर मार्वल सीरीज के कंपेयर में हम सबको इतना पसंद किया। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसको मून नाइट सीरीज पसंद नहीं आया। वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। नंबर 5, लास्ट एपिसोड से फोर्थ एपिसोड तक हर एपिसोड स्मूथ चल रहा था, बट फिफ्थ एपिसोड ने ऐसा टर्न आउट लिया कि पूरा एपिसोड मार्क के मेमोरी दिखाई गई, जो हम सबको हैरान कर दिया। स्टीवन ने जाना कि उसका एक भाई था और वो खेलते खेलते मारा गया, और कैसे मार्क खोंसू का अवतार मून नाइट हुआ। साथ में हम सब ने जाना स्टीफन जो मॉम के साथ बात करता था वो असल में नहीं है, और उसकी माँ मार्क को कितना टर्चर करता था। हर एपिसोड ने मार्वेल इजिप्शियन कल्चर को बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट एपिसोड्स के ब्रिटिश म्यूजियम से लेकर इजिप्शियन जकल चेजिंग सीन तक, और हीरो को फॉलो करते करते इजिप्ट के पिरामिड तक जो सीन दिखाए गए, हर एक शॉट में इजिप्शियन कल्चर देख सकते हैं। थर्ड और फोर्थ एपिसोड के वो पिरामिड के अंदर सीन में बहुत ही अच्छी तरह से इजिप्शियन गॉड्स एंड कल्चर्स दिखाया। इसी कुछ सीन प्रूव करता मून नाइट सीरीज एक टोटली इजिप्शियन कल्चर बेस्ड सीरीज है। नंबर 3 पर है नो एमसीयू रेफरेंस। मार्वल की हर एक सीरीज में एमसीयू के कुछ न कुछ रेफरेंस यही है, बट यही वो एकलौता सीरीज है जहाँ एमसीयू के एक और दो रेफरेंस के अलावा ज्यादा नहीं है। देखा जाए तो मून नाइट ऐसी एक टीवी सीरीज है जो एमसीयू के साथ कनेक्टेड नहीं, बिल्कुल कनेक्ट नहीं। नंबर 2, इमोशनल। नंबर 5 फैक्ट ने इमोशनल के बारे में मैं बताया, बट ये इमोशनल टॉपिक के बारे में मैं पर्सनली कुछ बोलना चाहूंगा कि फिफ्थ एपिसोड देखने के बाद मार्क के साथ बचपन में जो हुआ, उसकी माँ ने उसको जो टॉर्चर और एब्यूज किया, वो देख मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ। होप करता हूँ आप सब ने भी हूँ। और भाई साहब, ये वो सीन है जो देखकर मेरा हार्ट ब्रेकिंग हो गया, आंखों में आंसू आ गए। नंबर 1 बोलने से पहले मून नाइट सीरीज को इतना खास बनाता है उसकी मल्टीपल आइडेंटिटी, जहां हर एक आइडेंटिटी एक दूसरे से अलग है। सो नंबर 1 पर है डीआईडी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सीरीज के हर एक एपिसोड ने डीआईडी बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया है। मार्क और स्टीवन की रोल करने वाला एक्टर ऑस्कर आइज़क ने डीआईडी रोल को इतना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया कि बोलने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं मिला। मेरे ख्याल से यही एक प्राइमरी रीजन है जो मून नाइट को हम सब ने इतना पसंद किया। जब कोई सिचुएशन मार्क और स्टीवन के कंट्रोल के बाहर हो जाता, तब थर्ड पर्सनलिटी टेक ओवर कर लेता, जो है जेक लॉकली। ये इतना एग्रेसिव और ब्रूटालिटी है जो हम सब ने फर्स्ट, थर्ड और सिक्स एपिसोड में देखा, वो इस सीन में देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग है, हर एक आइडेंटिटी के पास खोंसू के द्वारा अलग अलग शूट है। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, और आप लोगों के लिए इसी तरह कंटेंट ले आता हूँ। और नीचे कमेंट सेक्शन ओपन ही है, अपना ओपिनियन दे सकते हो। सी यू अगेन नेक्स्ट 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।